हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके और साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये भी जरूर बताइएगा। मैथ्स रीजनिंग साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उन वीडियोस को देखिएगा, उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए हम लोग अपने आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष यानी कि ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1921। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए भारत के जो इतिहास में वर्ष 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है क्योंकि इस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। और कितनी थी ये भी याद कर लीजिएगा, -0.31, ये भी पूछा जा सकता है, इतनी थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा ऐसा है जो उपकरण है। पहला है टैक्सेशन यानी कि करारोपण, सेकंड है सार्वजनिक व्यय, ये भी है, देखिए ब्याज दर ये नहीं होगा, ठीक है, और सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेप्ट ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर, ये जो है जो ब्याज दर है ये राजकोष नीति का उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छठी, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको हम लोग शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। और छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, 1980 से 85, ठीक है 85, ये भी याद कर लीजिएगा। और नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई कब थी, 12 जुलाई 1982, ठीक है, ये भी पूछा जाता है 1982, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इसका काम क्या होता है, इसका मुख्य काम होता है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है, लोन देना, मेनली एग्रीकल्चर के फील्ड में फार्मर्स के लिए है मेनली ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, 1956 से 61, ठीक है, और ये तैयार की किसके द्वारा, पीसी महालनोविस के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। और इस योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा इस पर बल दिया गया था, ठीक है, उस इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए। देखिए साइंस और जीके दोनों क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, तभी जीके क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर मैं अभी आपसे इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगी। जो साइंस का एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट भी बना हुआ है तो प्लेलिस्ट के वीडियोस को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो कि मैं पिंग कर दूंगी। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग विषय कहाँ का विषय, संघ सूची यानी यूनियन का है कि स्टेट लिस्ट का है कि कॉन्करेंट लिस्ट का। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक पॉलिसी प्लानिंग का विषय किसका है, ये है किसका, समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट का, मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये प्रयोजन लिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन सब आ गए हैं। देखिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने हेतु परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, और इन परमाणु संयंत्रों में नियंत्रित परमाणु विखंडन अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर फिजन द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। आपके सामने चार ऑप्शन है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, लोहा या तांबा। तो गेहूं की खेती के लिए जो उर्वरक अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है वो है क्या, नाइट्रोजन।
ठीक है, गेहूं की खेती में नाइट्रोजन उर्वरक यानी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, जिसे बाजार में यूरिया के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, लगभग 46% होती है। ठीक है, वनस्पति वृद्धि में बहुत ही उपयोगी होते हैं ये। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोनाइड, पोटेशियम साइनाइड या इथाइल आइसोसाइनाइड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम साइनाइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं, तो पीतल में तांबा और जस्ता होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए तांबा, तांबा होता है 70% और जस्ता होता है 30%। ठीक है, याद रख लीजिएगा ये भी। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। साइंस सेक्शन में क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, तो एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, एस्पिरिन हमको मिलती है कहाँ से, एक पेड़ से। ठीक है, देखिए एस्पिरिन एक एंटोपायरेटिक ज्वर व दर्द नाशक औषधि है, जिसे विलो वृक्षों या झाड़ियों से प्राप्त किया जाता है। इसके पौधे मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के शीतोण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इतना नहीं आपको ध्यान देना, बस देखना है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, एक पेड़ों से मिलता है और कौन से पेड़, झाड़ियों से। ठीक है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तांबा, चांदी, सोना या लोहा। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। देखिए मायोग्लोबिन में लोह धातु पाया जाता है। मायोग्लोबिन समानता लोहा और ऑक्सीजन युक्त एक प्रोटीन होता है, जो सभी स्तनधारियों के मांसपेशियों में पाया जाता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जलाने से बनता है क्या, पानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत देती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो चुंबकीय सुई जो है उत्तर, ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ संकेत देती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं, भूकंप से, सूर्य से, तारों से या चंद्रमा से। तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा से। महासागरों में वृहद ज्वार एवं भाटा पूर्णिमा के दिन आता है। चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण ज्वार भाटा की क्रिया को अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन होती है, तो ये होती है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कारखानों से। देखिए अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड का मिश्रण होता है, जो कारखाने के धुएं तथा जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न होती है। ये वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं, जो वनस्पतियों एवं इमारतों हेतु अत्यंत हानिकारक होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, सोने को घोला जा सकता है तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एक भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए सोने को अम्लराज में घोला जाता है। अम्लराज का निर्माण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में 3:1 के रेशियो में मिला करके किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो ये करते हैं कैसे, तंतु यानी कि फाइबर को गर्म करके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस के छोड़ने से, रसोई गैस से या ठोस को पिघलाने से। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने को क्या तरीका है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए कुछ फैक्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपको याद कर लेना है। देखिए जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसमें विभिन्न वर्णों के अलग अलग तरंग दैर्ध्य के कारण 7 रंग यानी कि बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, लाल एवं नारंगी में बढ़ जाता है। संक्षिप्त में इसे विबग्योर भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा VIGYOR। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो ये विबग्योर होता है इसमें बीच में कौन सा कलर होता है, याद रखिएगा ग्रीन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जी यानी हरा, ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण तब होता है जब, इम्पॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। देखिए सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, तथा जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ध्यान दीजिएगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक की कला विधि क्या, टाइम पीरियड क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? क्लोरीन के कारण। देखिए तालाब में तैरने से क्लोरीन की अधिकता से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। सामान्य रूप से क्लोरीन का प्रयोग जल में विद्यमान अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊर्जा को का कोई भी हाश नहीं होता है, लॉस नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा या ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। शक्कर के किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन से क्या बनता है? एथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या क्लोरोफिल। तो शक्कर के किण्वन यानी फर्मेंटेशन से क्या बनता है? तो ये बनता है क्या, एथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, सही हुए हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।